तो गाइस तभी हम जा रहे हैं उदयपुर पर, आज उदयपुर जाएंगे। अगर असली त्रिपुरा को देखना चाहते हो तो यही पर है असली त्रिपुरा, जहाँ बलि होती। इंडिया जैसे हायर डेवलपमेंट कंट्री में बच्चे भूखे रहते हैं रोज। खास करके ये झील बहुत ही बड़ा। आम इंसान है, भले प्यार का मतलब भूल जाए पर ये जानवर कभी नहीं भूलते, तभी तो हर साल इतने करोड़ों लोग। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अगरतला के बदरगढ़ स्टेशन के अंदर, क्योंकि उदयपुर का टिकट काटना, उदयपुर माताबाड़ी जाने के लिए। देख सकते हैं स्टेशन के अंदर बहुत ही भागदौड़ मची हुई है, क्योंकि यहाँ पर टिकट और मतलब समय भी कम है। 2 नंबर पटरी पर उदयपुर का ट्रेन रुकने वाला है, तो हम उस ब्रिज को अभी पार कर लेते हैं। तो गाइस अभी हम ब्रिज के ऊपर है और अभी ब्रिज के मतलब नीचे उतर जाएंगे। अंदर बहुत अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है, ये देख सकते हैं लोगों की भीड़। देखिए कितने सारे लोग, बहुत सारे लोग एक साथ उदयपुर जा रहे हैं, तो इसमें हम भी है। देख सकते हैं लोगों की भीड़ क्या है। तो गाइस अभी गंतव्य से ट्रेन रवाना हो चुके हैं उदयपुर के लिए। देख सकते हैं बहुत स्पीड से जा रहा है, 100 के ऊपर तो करीब स्पीड हो गई। देख सकते यहाँ त्रिपुरा में इतनी सुंदरता है, मतलब खलियान है, इतनी खलियान है, सब कुछ दिखा दूंगा थोड़ी देर में। जे देखिए बोला था ना, दिखा दूंगा थोड़ी देर में त्रिपुरा की सुंदरता। ये देखिए प्रकृति का है ये नज़ारा, देख सकते ये नज़ारा कोई पैसे देकर नहीं मिलेगा गाइस, यहाँ पर आएंगे फ्री मिलेगा। देख सकते इतनी सुंदरता है यहाँ का, मतलब अगर आप आते हैं तो आपका मतलब पूरा माइंड चेंज हो जाएगा। अगर गुस्से भी है मतलब गुस्सा थूक देंगे आप, पूरा शांत हो जाएंगे, इतना सुंदर है माहौल यहाँ का। इस जगह के बारे में जितने भी तारीफ करो बहुत ही कम है, जगह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। और ट्रेन से देखने से नज़ारा ऊपर से मतलब बहुत ही सुंदर दिख रहा है पूरा जगह। कुछ साल बाद और इसे देख नहीं पाएंगे, ऐसे सुंदर जगह, मतलब क्या कहो, लोग नष्ट कर देंगे इसे। इंसानों यहाँ पर बसने के लिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह बना लेंगे कुछ ही साल में। तो गाइस अभी हमने एक बहुत बड़ा स्टेशन पार कर लिया, जैसे कि उदयपुर जाने में और भी 3-4 स्टेशन बाकी है, हमें और बस 4-5 स्टेशन पार करना होगा, उसके बाद हम जाके पहुंच जाएंगे हमारे डेस्टिनेशन पर उदयपुर माताबाड़ी किया। उसके बाद हम यहाँ से एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे यहाँ पर क्या क्या है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि खलियान और खेती है, यहाँ पर घर भी है, यानी कि ये शायद विलेज होगा मुझे लगता है। विलेज के अंदर देख सकते बहुत सारे घर वर यहाँ पर दिखने को मिलेगा, उसके बाद वाटर पम्प वगैरह दिखने को मिलेगा यहाँ पर। देख सकते हैं एक ऐसा बड़ा मतलब झील मेरे नज़र में पड़ा है, जो दिखने में काफ़ी बड़ा और शानदार दिख रहा है। यहाँ का व्यू बहुत ही बढ़िया दिख रहा है मुझे, और यहाँ पर केले के जो बहुत बड़े एक बागान दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पर आप हमें कोई स्टेशन मतलब क्रॉस करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम पहुँच गए हैं उदयपुर के अंदर में, मतलब उदयपुर में ही शायद हम हैं यहाँ अभी फ़िलहाल। और उदयपुर का स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं, सामने है, तो हम मान सकते हैं कि हम उदयपुर के अंदर ही है, बस स्टेशन में नहीं गए। स्टेशन में अभी हाल फिलहाल में कुछ देर में मतलब कुछ समय में अभी पहुँच जाएंगे जाके उदयपुर स्टेशन पर। तो गाइस मुझे दिख रहा है उदयपुर स्टेशन, वो देख सकते आप लोगों के अभी दिख जाएगा उदयपुर स्टेशन, कैमरा घुमा नहीं सकता। देख सकते उदयपुर स्टेशन में हम पहुंच गए हैं गाइस, ये देख सकते उदयपुर स्टेशन, यानी कि हम उदयपुर के अंदर पहुंच गए। यहाँ से अभी मतलब क्या करना होगा, गाड़ी लेना होगा, उसके बाद हमें माताबाड़ी पर जाना होगा। यहाँ से मुझे यहाँ पर क्रॉस करने के ब्रिज दिख गए। तो गाइस फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम पहुँच गए उदयपुर स्टेशन पर। गाइज मुझे ये तो नॉर्मल स्टेशन बिल्कुल नहीं लग रहा, बिल्कुल नॉर्मल स्टेशन नहीं लग रहा है। आप लोगों को लग रहा है नॉर्मल स्टेशन है, और वैसे भी यहाँ पर देवी का एक अंश गिरा है, उससे मतलब माताबाड़ी का निर्माण हुआ है, तो शायद हो सकता है ये रेल स्टेशन भी उसी तरह से बनवाया गया है। देख सकते यहाँ पर लोग भारी तादाद में यहाँ पर लोग आते रहते हैं यहाँ पर एक्सप्लोर के लिए, बस एक्सप्लोर के लिए। यहाँ से ज़्यादा मतलब 90% से ऊपर आपको दिखेंगे जो यहाँ पर ट्रैवल के लिए आए हैं, जर्नी से आए हैं, मतलब जो है देवी माँ के दर्शन के लिए, सच में बता रहा हूँ। और यहाँ पर ऑटो के लाइन देख सकते हैं, यहाँ पर लाइनें खड़ी हुई है पहले से ही। गाइज मैं इसे नॉर्मल स्टेशन इसलिए नहीं कह रहा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि देवी माँ का अंश गिरा है तो ये नॉर्मल कैसे हो सकता है, पर ऐसा नहीं। आप जब आएंगे यहाँ पर तो आप लोग को पता चल जाएगा, स्टेशन पे जब उतरेंगे मतलब देखने से ही लगता है कुछ अलग ही है यहाँ पर, मतलब देवी देवी मतलब देवी देवता का कुछ यहाँ पर ऐसा लगता है, बास है ऐसा लगता है हमें।
तो गाइस अभी हम ऑटो ठीक करने जा रहे हैं, सीधे हम माता बाड़ी के सामने पहुंच जाएंगे ऑटो लेके। तो भाई लोग मुझे बहुत हंसी आई ये देख के, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए इस अंकल को गौर से देखिए, ये अंकल का टैलेंट देखिए, मतलब हिडन, एकदम हिडन है। देखिए 10 से ऊपर लोगों को अभी तक यहाँ पर ठूस चुके हैं, मतलब अब क्या करें यहाँ पर, जगह जो कम है इतनी। तो अंकल का टैलेंट देखे मैं तो मतलब दंग रह। और अंकल का ये दावा है कि कभी कभार तो 15-16 एक साथ मतलब ऑटो में जगह दे देते हैं, उनका मतलब टैलेंट देखे मैं दंग रह गया। तो गाइस कुछ देर बाद ही हम पहुंच जाएंगे हमारी फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि माता बाड़ी पर। दोस्तों हमारा फाइनल डेस्टिनेशन उदयपुर नहीं था, माता बाड़ी था, क्योंकि उदयपुर के यहाँ पर माता बाड़ी पड़ता है जो यहाँ पर। तो गाइस अंकल भी कुछ कम नहीं है, सामने एक इको जा रहा है बहुत ही स्पीड से, लेकिन अंकल अपना ऑटो लेके उससे ज़्यादा स्पीड से भगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब कैसे अंकल को बताओ कि आप इको से तेज नहीं जा सकते। हमें उदयपुर देखने से पहले इतना एक्साइटमेंट हो रहा है कि क्या बताओ, हमारी तो जान ही निकल जा रही है कि उदयपुर पहले बार देखूंगा तो कैसा लगेगा। हालांकि मैं बहुत छोटे वक्त जब था तब मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, बहुत छोटे मतलब चाइल्डहुड में यहाँ पर आ चुका हूँ, बट उसके बाद कभी आया नहीं। तो गाइज हमें यहाँ पर ऑटो ड्राइवर ने ही पे रुकवा दिया। और देखिए ना उतारते ही बिजनेस स्ट्रेटजी, देखिए पेड़े बेचने के लिए कौन किसे पहले, कौन से ग्राहक को पहले पकड़ सकता है। और ये लोग आपको ऑफ़र भी देंगे कि हमारे यहाँ जूते रख के जाओ, यहाँ पर पेड़े खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, जूते रख के जाओ। और इस ऑफ़र को आप एक्सेप्ट कर लिया तो आप समझ लीजिए आपको खरीदना ही पड़ेगा। और गाइस देख सकते हैं अभी हम उतर गए यहाँ पर और हम चलना स्टार्ट किए। और ऊपर जो बिल्डिंग जैसा देख रहे हो, ये प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएगा ना दोस्तों, तो यहाँ मतलब सिर्फ ऑल ओवर इंडिया से नहीं, बाहर से टूरिस्ट आएंगे देखने के लिए, मतलब अदर कंट्री से भी यहाँ आएंगे। त्रिपुरा के सबसे बड़ा जो मतलब प्रोजेक्ट है शायद यही है, मुझे लगता है शायद ये करोड़ों का ये प्रोजेक्ट है जो बनने में अभी भी कुछ समय बाकी है। तो समझ लीजिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, बहुत पहले से इसका काम जो है स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ सालों में कंप्लीट हो जाएगा और हमारा उदयपुर पहला जैसा बन जाएगा। यहाँ पर चारों तरफ आपको दुकानें दिखेंगे, सिर्फ दुकानें, सिंदूर, मोमबत्ती, उसके बाद अगरबत्ती वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है, जो छोटे मोटे व्यापारी है यहाँ पर लेके बैठे रहते हैं। और हाथ में जो धागा लेते हैं ना दोस्तों, वो धागा भी यहाँ पर मिलता है, बहुत बढ़िया है। और यहाँ का पेड़े तो मतलब क्या कहो, वर्ल्ड फेमस पेड़े। पर हम यहाँ पर भोग लगाने आए नहीं है, माता के दर्शन के लिए आए हैं। और दर्शन मतलब भोग लगान, बिना भोग लगाए हम दर्शन नहीं कर सकते क्या? कर सकते ऑब्वियसली। अभी मैं जो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर दोस्तों इस झील में बहुत बड़ा एक लोटस बनाया गया है, जो मतलब टूरिस्टों के लिए अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सुंदर दिखता है। और रात को लाइट जाने के बाद दुकानें तो यहाँ पर है ही, खूब सारे ढेर सारे दुकान है यहाँ पर। और दुकानें से मतलब इस झील में गाइस आप लोगों को बताना भूल गए, इस झील में टर्टल मिलते हैं गाइस, यानी कि कछुआ, हाँ आप लोग सही समझे, कछुआ मिलते हैं इस झील से, बहुत बड़े बड़े दोस्तों, भारी पैमाने में यहाँ पे कछुआ मिलते हैं। जब दोस्तों यहाँ पर जो बलि चढ़ाया जाता है, बलि के जो मतलब जो बलि का बकरा होता है उसका जो मतलब सिर होता है जो धर से अलग होता है, उसे जब दिया जाता है इस मतलब झील में, जो माता को चढ़ाया जाता है भेंट, तो उस समय देखने को मिलता है 100-150 एक साथ भारी कागाद में यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। अब दिखा दूंगा कुछ देर बाद में। इस झील में आने के बाद ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बेहद ज़रूरी है गाइस, यहाँ पे बंगला पे लिखा है कि यहाँ पर मतलब प्लास्टिक ना फेंके। और यहाँ पर कुछ देर बाद अनाउंस किया जाता है कि ये हमारा संपत्ति है, हमारा देवी देवताओं का स्थान है, तो यह इसे सुरक्षित रखना आप लोगों का कर्तव्य, ऐसा बोलते हैं गाइस। सोचा ही था कि ऊपर जाके अभी देवी माँ का दर्शन वगैरह लगा के आऊँगा, बट यहाँ पर जो अचानक से बारिश आ गई है, बहुत ज़ोर से बारिश गिर रही है, तो जूता यहाँ पे रख देता हूँ और ऊपर चढ़ जाऊँगा। अभी देख सकते हैं मेरे पीछे, देख सकते हैं बारिश हो रही है, ये देख सकते हैं मेरे पीछे ही, देखिए बहुत भयानक बारिश, अचानक से कहाँ से बारिश आ गया भाई। तो गाइस बारिश हुआ तो क्यों, बारिश के भीग के हम अभी जा रहे हैं, देख सकते हैं। जल्दी से जल्दी दौड़ लगा लेता हूँ बारिश में, बारिश तो रुकने वाली है ही नहीं, तो सोचा भीग के ही। बहुत से लोग तो छाता लेके आए, और वो मतलब बुद्धिमत्ता का काम वही किया है कि छाता लेके आ गए भाई। ओ हम गलत साइड से आ गए, ये डाउन का मतलब अप और डाउन का दो साइड होता है, हम डाउन के साइड में आ गए, तो हम आपके साइड में जा रहे हैं, मतलब ऊपर चढ़ने का जो साइड है वो उस तरफ है, तो हम अभी उस तरफ से जा रहे हैं। और साइड में आप लोगों को बहुत सारे फ़कीर वगैरह दिखेंगे, मतलब जो दान के लिए बैठे रहते, तो उन्हें भी कुछ देना ज़रूरी होता है, उन्हें भी कभी कभार आए तो दे देना।
क्योंकि दान से बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं होता इस जगत में। तो देख सकते हैं माता वाली की मतलब मेन मंदिर को, ये देखिए मेन मंदिर है ये। मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही है मंदिर की, पुजारी की पूजा करने की, और घंटियां बजा रहे हैं, बच्चे से लेकर सब यहाँ पर आके घंटियां बजाते हैं, ये देख सकते हैं। ये देखिए भारी पैमाने में लोग आते हैं यहाँ पर, और तो ज़्यादातर दोस्तों ये मतलब लोकलाइज तो ज़्यादातर नहीं हो गया, पर टूरिस्ट ही ज़्यादा आते हैं देखने के लिए, भ्रमण के लिए यहाँ पर, कौन कौन क्या क्या देवी देवता वगैरह। देखिए मेरे पीछे ही है लोग, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो लाइन लगा हुआ है, इसलिए मैं मतलब भोग चढ़ाने को मुझे मतलब दिल नहीं करता कि भोग चढ़ाओ, बहुत बड़ा लाइन होता है कि इतने लोग हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं मोमबत्ती, उसके बाद अगरबत्ती, ये सब लगाया जाता है यहाँ पर, आने के बाद यहाँ पर लगाते, ये देख सकते हैं यहाँ पर प्रकाश भैया अगरबत्ती और मोमबत्ती लगा रहे एक साथ, देख सकते हैं यहाँ पर, और बहुत सारे लोग एक साथ लगाते हैं यहाँ पर, और मेरे पीछे ही देख सकते हैं, ये देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर एक साथ लगाते हैं अगरबत्ती और मोमबत्ती। डन, ओके, चलो फिर चलो। अब पीछे का मतलब सामने का जो नज़ारा था वो तो देख लिया, सामने क्या क्या हो रहा है, अब जाके पीछे का भी देख लेते हैं, पीछे क्या क्या हो रहा है। चलिए ये देख सकते हैं पीछे भी मतलब यही से लोग दिखाई दे रहे हैं कि शायद पीछे भी कुछ होगा। और मैंने सुना है जो बलि वगैरह का काम चलता है, बलि भी देते वो पीछे ही देते क्योंकि ये सब दिखाने का चीज़ है। और मैं शायद वीडियो करने जाऊँ तो मुझे शायद डांट लगा दिया फिर, मतलब कुछ कह दे, इसलिए मैं पहले परमिशन ले लूँगा उसके बाद। ओ भाई इतना भीड़, ये तो मतलब सामने से ज़्यादा पीछे भी भीड़ दिखाई दे रहा है। ये देखिए मंदिर पीछे के पीछे से भी कैसा दिख रहा है, और यहाँ पर लोग तो ढेरों लोग हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि अब मुझे पता है यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर भी है शायद यहाँ पर, मुझे लगता है। और यहाँ पर लोगों तो मतलब लोग सामने से दिखाई दे रहे थे कि पीछे कुछ तो है, पर पीछे इतना लोग है मुझे पहली बार पता चला है पीछे भी मतलब कुछ होता है। और बलि वगैरह में शायद इतना लोग नहीं होते, बट यहाँ पर तो बहुत सारे लोग है। और जो बलि का मतलब बकरा होता है उसे भी मतलब बेच दिया जाता है बलि देने के बाद, और उस पर उसके जो मतलब सिर वगैरह रहते हैं धर से अलग होते हैं, जो सर उसे भी बेच दिया जाता है। ये देखिए अमरा कहते हैं शायद इसे, मुझे लगता है बंगला में तो इसे अमरा ही कहते हैं शायद नहीं बिल्कुल। चलो अभी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को जहाँ पर बकरे का बलि चढ़ाया जाता है। वैसे तो यहाँ पर मतलब इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पर मतलब वीडियो वगैरह अलाउ नहीं, पर मैं चोरी छिपे थोड़ा सा आप लोगों को दिखाई दूंगा, भले ही मुझे डांट क्यों ना मिले, पर वीडियो के लिए ऐसा करना पड़ता है। मैं चुपचाप जितना भी हो सके मुझसे मैं दिखाई दूंगा। ये देखो भाई लोग, ये देखो ले जा रहा है बैग में, यहीं पर जो है मतलब बलि चढ़ाया जाता है। बस इतना ही गाइस, वहाँ से मतलब डांटना शुरू कर दिया है, अभी बंद कर देता हूँ। गाइस मैं अभी वही महान प्रोजेक्ट के ऊपर खड़ा हुआ, टोटल प्रोजेक्ट जो माताबाड़ी पे बनाया जा रहा है, पूरे माताबाड़ी एक टोटल के ऊपर होगा। अभी मैं जा रहा हूँ क्योंकि सामने एक मुझे मतलब अघोरी नहीं साधु बाबा दिख गया है, उनसे मैं कुछ लेने जा रहा हूँ अभी, और उनके साथ एक फ़ोटो भी खिंचवाना है क्योंकि मुझे इन सब को देखने से बहुत अच्छा लगता है। अभी हम जा रहे हैं साधु बाबा, ये गिरते गिरते बच्चा, ये देखिए पोज दे के खड़ा हुआ क्योंकि मेरा फ़ोटो खींच रहा है उस पार से, लेकिन ने पता नहीं। अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही भूख लगे किसी होटल वगैरह से, उसके बाद कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हम मतलब जो कछुआ है उन्हें भी मतलब कुछ खिला देंगे, और मछलियों को भी मछलियों का खाना खिला देंगे। आप लोगों को दिखा दूंगा कितने सारे कछुए यहाँ पर, और ऊपर का नज़ारा देखिए बहुत ही मतलब सुंदर है। अब जहाँ पे हमने जूते रखे थे पहले, यहाँ से पहले जूते ले लेते हैं क्योंकि सबसे पहले जूते लेना हो गया। अभी बहुत ही दुखद इंसिडेंट हुआ है गाइस, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं कि बोल रहे हैं बहुत ही भूख लगी है भाई, बहुत ही कुछ खिला दो। इंडिया जैसे हायर डेवलपमेंट कंट्री में भैया ऐसा होता है, तभी समय मिले तो बेचारों को भी समय देना कुछ खिला। अभी हम आप लोगों को ले जाएंगे उदयपुर के सबसे फेमस होटल की तरफ, लेकिन अभी देखिए साइड में क्या हो रहा है। दुकानें सिर्फ गाइस मतलब मंदिर के नीचे नहीं, यहाँ चारों तरफ सिर्फ दुकान ही दुकानें, चारों तरफ देख सकते हैं सिर्फ दुकानें। और यहाँ पर सिर्फ दोस्तों मतलब राइस नहीं मिलते, यहाँ पर पराठे वगैरह भी सब कुछ यहाँ पर मिलते हैं, चाट से लेकर देख सकते हैं सब कुछ मिलते हैं यहाँ पर। तो आ जाओ विकास भैया,
तो अभी हम जा रहे हैं इस होटल को दिखाने। ये देखिए सबसे फेमस होटल यही है हमारी साइड में, ये देख सकते हैं सबसे फेमस होटल है ये। वैसे आपको सामने की तरफ भी बहुत सारे होटल दिखा, लेकिन इससे मतलब खातिरदारी ज़्यादा किसी होटल में मैंने नहीं देखा। और यहाँ पर देख सकते हैं मतलब जो मतलब वो झील है, इस झील पे मतलब बहुत सारे मतलब रहस्यमय चीज़ें भी मिलती है, कभी कभार दिखाई देती है। देख सकते हैं कितना बड़ा ये झील, ये देख सकते हैं कितना बड़ा। यहाँ से बहुत मतलब सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ के सुंदरता के बारे में मैं क्या ही कहूँ, मंदिर से लेकर हर तरह मतलब देवी यहाँ पर भाव जो है यहाँ पर दिख रहा है, मतलब देवता स्थान है ऐसा लगता है इसे देखने के बाद, बहुत अच्छा फीलिंग है। देख सकते हैं यहाँ पर खाना नहीं दिया, लेकिन अभी से कछुआ के यहाँ पर बैठा हुआ है। और आगे देखिए कितने सारे दिखाता हूँ आप लोगों को। अचानक से फिर से बारिश आ गया और भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा, अभी होटल पर जाएँगे क्योंकि उसके बाद हमें कछुओं को खाना भी खिलाना है, कछुए और मछलियों को। देख सकते हैं अभी हम होटल के अंदर चले जाएंगे और देखेंगे क्या क्या खाने की मिलता है यहाँ पर। पहली बार इस होटल में हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं। पहले होटल के अंदर विकास भैया जा रहे हैं और देख रहे हैं क्या क्या मतलब लोग है कि नहीं। अभी बारिश है और बहुत ही मतलब आज हॉलीडे नहीं है वैसे, इसलिए बहुत लोग बहुत कम है यहाँ पर, लेकिन नहीं तो बहुत ही भीड़ होता है यहाँ पर। जब इनसे पूछा हैंड वॉश कहाँ करे, तो बोला नीचे चले जाइए, नीचे केबिन पे वहाँ पर है सब कुछ। तो हम नीचे जा रहे हैं और देख सकते हैं विकास नींबू और क्यूकम्बर वैसे प्लेट पे दे दिया है, पहले अभी देना स्टार्ट कर दिया। वैसे एक भाई आके पहले राइस दे रहा है यहाँ पर। यहाँ का जो मीट है वो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है, ये देख सकते मेरे हाथ में बहुत ही सॉफ्ट है। खाना खाने के बाद अभी हम निकल जाएंगे। तो हमारा खाना हो गया है अभी गाइस। और गाइज अगर मैं इसे कहूँ एक शौचालय यानी कि टॉयलेट है, आप लोग मानेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि मंदिर जैसा दिख रहा है। मैं कह रहा था ना गाइज यहाँ पर मतलब कुछ अलग ही फीलिंग होता है, नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उदयपुर त्रिपुरा का कैपिटल रह चुका है पहले। लो खा लो बेटे खा लो। अभी हम नीचे जा रहे हैं भैया, या फोकस मत, ये देख सकते हैं अभी हम नीचे इन्हें कुछ खिलाने के लिए जा रहे हैं। देख सकते हैं टर्टल मेरे नीचे, खत्म फिनिश दी एंड ओवर। अभी हम जा रहे हैं उदयपुर रेल स्टेशन के जो कंपार्टमेंट है वहाँ पर टिकट काटने अगरतला के।